किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जो प्रॉब्लम्स नहीं है, एंड डोंट डिपेंड ऑन समवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस. जिसको सबसे ज़्यादा पेन होता है वो हमारी फैमिली होती है. आई नो दैट ऑल माई फैंस वॉन्ट मी टू डू बिग बॉस. आई नो टीना, बहुत धमाल हो रहा है बिग बॉस में. टीना इज़ डूइंग वेरी वेल, अब्दू इज़ डूइंग वेरी वेल. आजकल सबको लगता है इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ख़त्म हो गई दुनिया. बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर ये थॉट किसी के दिमाग में भी आता है, आई वुड से कि सबसे पहले पेरेंट्स का सोचो. बिकॉज आई थिंक भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है पेरेंट्स, एंड आई थिंक उनका प्यार अनकंडीशनल होता है, और उनसे ज़्यादा प्यार हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता. एंड इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स, जस्ट थिंक कि उनका क्या होगा बिफोर डूइंग एनी सच थिंग. एंड लाइफ इज़, no one said life is easy, life is difficult, and we have to fight, and we have to fight, and this is life. Kisi ki life aisi nahi hai jo problems nahi hai. Everyone has problems, but I feel just if you can't stop yourself, think about your mother, your father, any one person which you feel loves you the most, and unka kya hoga tumhare baad. So just don't take any decision in anger, and don't depend on someone else for your happiness. Just take life as it comes, and you know that there is a light at the end of the tunnel. There will be something nice, and everyone goes through mess, but we all come out of it. And I would just tell everyone, never ever even think of something like this, because jisko sabse zyada pain hota hai wo hamari family hoti hai. And just never, just fight whatever it is, but never. My heart goes out to the mother, the family, the friends, everyone, and I'm really sorry about whatever happened, but I would just tell everyone, never do something like that. Be brave, be brave. साथ ही जब जब reality shows की बात आती है, ऐसा कोई reality show जो आप चाहती हैं कि मुझे ये करना है, और लोगों के भी अगर comments हो कि हम आपको देखना चाहते हैं. See, मुझे एक reality show करना था, वो था खतरों के खिलाड़ी. That was my dream. और मैंने वो रियलिटी शो कर लिया, और मैं बहुत खुश हूँ वो करके. उसके अलावा मे बी अ डांस रियलिटी शो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो ज़रूर करूँगी. एंड आई नो दैट ऑल माई फैंस वॉन्ट मी टू डू बिग बॉस, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट येट रेडी फॉर इट. क्या ये सीज़न फॉलो कर रही है बिग बॉस 16? मैं ये सीज़न फॉलो नहीं कर रही हूँ. आपकी कोई दोस्त है इस बार? नॉट रियली, बट मतलब आई नो टीना, और ऐसे एज बेस्ट फ्रेंड्स या कुछ वो नहीं है कोई भी बिग बॉस सीजन में, इस सीज़न में. बट आई हैव हर्ड कि ये साल बहुत धमाल हो रहा है बिग बॉस में. टीना इज़ डूइंग वेरी वेल, अब्दू इज़ डूइंग वेरी वेल, और सबको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी यार. आई मीन आई एम जस्ट हियरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. टीना के लव रिलेशन के रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे आप? हाल ही में शालिन और टीना को लेकर आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट अगर ये हो रहा है एंड दे बोथ आर हैप्पी, देन व्हाई नॉट. माय बेस्ट विशेस टू देम यार. खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है सीरियसली. साथ ही अगर पूछा जाए, जैसे कि हर साल हम क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, अगर बचपन की अगर कोई यादें अगर आप शेयर करो, बचपन के वो दिन होते हैं जो वापस ना आते, नहीं आते हैं, लेकिन अगर कुछ मेमोरीज अगर शेयर करना चाहिए. बचपन की यादें फॉर न्यू ईयर्स? बचपन में स्कूल में तो हमें क्रिसमस के बाद छुट्टियां मिल जाती थी. आई जस्ट रिमेंबर क्रिसमस पार्टीज दैट आई यूज्ड टू गेट इन स्कूल, एंड सांता यूज्ड टू कम एंड यू नो हमें चॉकलेट्स देते थे, एंड वी यूज्ड टू रियली हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम. बट न्यू ईयर्स में ऑफ कोर्स हम फैमिली के साथ ही रहते थे, बिकॉज वी वर किड्स एंड यू हैव टू लाइक बी विद. एंड आई रिमेंबर सेलिब्रेटिंग विद माई मॉम एंड डैड एंड यू नो माई ब्रदर्स, एंड टी वी देखते थे हम ऑब्वियसली, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी शोज आते थे फॉर न्यू ईयर्स, एंड यू नो दे काउंट डाउन ऑन द टी वी, एंड वी टू हैव अ ग्रेट टाइम. सो आई थिंक फॉर मी दैट वॉज द बेस्ट मेमोरी, सेलिब्रेटिंग विद माई ओन फैमिली. साथ ही अगर
साथ ही नया साल शुरू हो रहा है 2023 जी, क्या कुछ नए सरप्राइजेस आप देंगी अपनी फैंस को, कुछ नए प्रोजेक्ट्स अगर शेयर करना चाहूँ? यार अब तो मुझे भी नहीं पता क्या सरप्राइज, मुझे खुद को सरप्राइज मिला है नागिन से, सो आई एम गिविंग दैट सरप्राइज टू माय फैंस, बट इंशाल्लाह यू नो बातें चल रही है काफ़ी जगह, एंड अगर कुछ होता है इंशाल्लाह कोई प्रोजेक्ट इफ आई साइन, डेफिनेटली यू गाइस आर गोना कम टू नो बिफोर मी, सो बिफोर मी सेइंग इट, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। दरअसल हम नागिन में देखते हैं कि बिग बॉस के कोई एक कंटेस्टेंट जरूर होते हैं, तो इस बार अंकित गुप्ता का बहुत ज्यादा क्रेज चल रहा है, क्या लगता है वो होंगे? आई डोंट नो यार, मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, बट हो गए तो वेरी गुड, बट आई रियली डोंट नो। लास्टली नए साल के लिए कुछ विशेस सभी फैंस को? वेल मेरी तरफ से आप सभी को अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।